वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम प्रथम प्रश्न को श्रवण करें। श्री राधे राधे। गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मिथिला के महाराज जी गुरु जी, उनका प्रश्न है कुछ। उनका पहला प्रश्न है गुरु जी, सात्विक आहार से क्या, सात्विक आहार में क्या क्या लेना चाहिए, कृपया विस्तार से बताइए, जिससे मन बहुत जल्दी पवित्र हो जाए। श्री राधे राधे। श्री राधे। आहार के विषय में गीता जी के 17वें अध्याय में भगवान स्वयं अपने श्री मुख से ही बतलाए हैं। सात्विक आहार की परिभाषा प्रभु ने की है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। भगवान ने बताया कि तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। तमोगुणी का मतलब आप समझ लीजिए, जो गंदा खान पान वाले, गंदा जीवन वाले और अशांति मार काट झगड़ा झंझट करते रहते हैं, वो तमोगुणी होते हैं। और रजोगुणी वो होते हैं जो अपने शान चौक में लगे रहते हैं, अपने शान चौक से फुर्सत नहीं उनको है, वो रजोगुणी होते हैं। और सतोगुणी वो होते हैं जो शांति प्रिय हैं, भगवत भजन से जिनको मतलब है और प्रभु के अलावा दूसरे से कोई संबंध नहीं, वो सतोगुणी है। तो इनकी पहचान ये जो मैंने बताया ये मुख्य है, लेकिन खान पान में भी पहचान होती है। जो तमोगुणी होता है, लड़ाई झगड़ा और मार काट और सबको सताने वाला, वो गंदा खाता पीता है, उसका खान पान बहुत गंदा होता है, जीव जंतुओं को खा जाता है और मद्यपान करता है, ऐसा जो होता है सड़ा गला भोजन खाता है, दुर्गंधित, ये तमोगुणी का है। रजोगुणी वाला खूब चटपटा खाता है, गर्मा गर्म खाता है और ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट, थोड़ा सा भी स्वाद में कमी हो तो पसंद नहीं आएगा, वो ज्यादा शान चौक वाला। और सत्वगुणी क्या खाता है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन स्निग्धा स्थिरा आहार सात्विक प्रिय। आप समझो ना, जैसे छोटे बच्चे को, आप छोटे बच्चे को जिसको अभी कुछ भी भोजन नहीं कराया गया, उसको मिर्चा खिला दो, फिर रोना चिल्लाना चालू कर देगा। तो मिर्चा क्या होता है, एक रजोगुणी भोजन होता है। और उसको शराब पिला दो तो बेहोश हो जाएगा। शराब जो होता है तमोगुणी भोजन होता है, मिर्चा जो रजोगुणी भोजन होता है, उसको खीर चटाओ, खूब स्वाद के साथ चाटेगा। छोटा बच्चा भी कोई चीज को आदत नहीं पड़ी उसकी, भोजन की कोई भी किसी प्रकार के भोजन की आदत नहीं है, लेकिन शुरू शुरू में पहले दिन आपने एक गंदी चीज खिला दिया, जैसे मैंने कहा कि शराब पिलाओ बेहोश हो जाएगा, मिर्चा खिला दोगे एकदम चिल्लाने लग जाएगा, रोने लग जाएगा। और खीर चटाओ, यदि आप कहते हो आदत के कारण ऐसा होता है, तो अभी तो कोई भी भोजन नहीं खाया था वो, लेकिन खीर चाटते ही मस्त हो जाएगा, कहेगा और दो और दो और दो। मतलब ये सात्विक भोजन है जिसमें स्वाभाविक रूप से हृदय को आनंद मिलता। बिगड़ी आदत वाले की बात नहीं कर रहा हूं, नेचुरल वाले की। तो जो स्वाभाविक रूप से आयु आरोग्य प्रदान करता है, हृदय को आनंद देता, आयु सत्व बलारोग्य। और आयु सत्व मतलब सत्वगुणी, अंतःकरण की पवित्रता देता है। और सुख प्रीति विवर्धन, सुख और प्रीति का वर्धन करता है, अर्थात उसको सुख प्राप्त होता है और प्रीति, भगवान से प्रेम बढ़ता है, भोजन पाचन सात्विक होता है। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया,
सत्रहवें अध्याय में भगवान ने कहा है गीता जी में, रस्या अर्थात तो रस युक्त तो होता है, सतोगुणी भोजन रस युक्त तो होता है, रस्या स्निग्धाह अर्थात तो रूखा नहीं होता, चिकनापन होता है, रस्या स्निग्धा स्थिरा उसका प्रभाव स्थिर होता है, ऐसा नहीं कि एक क्षण के लिए उसका प्रभाव रहा है, स्थिरा हृद्याह, हृद्याह का तात्पर्य ग्रहण करने योग्य होता है, उसमें आदत डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रियाह, ये सात्विक जनों को प्रिय होता है आहार जो अभी मैंने बताया। आपको फिर से देखना हो तो गीता जी के 17वें अध्याय में तीनों श्लोक हैं, सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी लोगों के भोजन जो होते हैं उसका वर्णन जो अभी मैंने सुनाया तीनों श्लोक है उसका। श्री राधे, एक प्रश्न हो गया। इनका दूसरा प्रश्न, गुरु जी ब्रह्मचर्य पालन के लिए क्या करें, कृपया बताने की कृपा करें महाराज श्री। राधे राधे। राधे। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए रात में सोने के पहले पैर ठंडे पानी से धो और भगवान का नाम जपते हुए हनुमान जी का दर्शन करके हाथ जोड़ के प्रणाम करके शयन करो। उस समय भगवान के अलावा दूसरी कोई चीज मत पढ़ो और दिन में भी जो कामुक चीजें हैं, कामना अर्थात काम वासना वर्धन करने वाली बढ़ाने वाली, उन कथाओं को कहानियों को और उन चीजों को न देखना चाहिए न सुनना चाहिए और कामुक व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए, कामी लोगों का संग भी नहीं करना चाहिए, न उनकी बातें सुननी चाहिए न उनसे बातें करनी चाहिए, केवल भगवान के संबंध की बात करो तब बच सकते हो, संग का भी भोजन का भी और पठनीय जो साहित्य है पठनीय साहित्य का और दर्शनीय दृश्यों का, इन सब का प्रभाव पड़ता है, इन सब में अपने को समझदारी के साथ लगाना पड़ेगा और जो वर्जनीय है उनका वर्जन करना पड़ेगा। श्री राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है गुरु जी, उत्तम दिनचर्या किसे कहते हैं, कृपया बताने की कृपा करें। दिनचर्या और रात्रिचर्या दोनों उत्तम होनी चाहिए, दिनचर्या तो आपकी अच्छी है और रात्रिचर्या खराब है तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। दिनचर्या अर्थात दिन में जो कार्य आप करते हैं वो दिनचर्या, रात में जो कार्य करते हैं वो रात्रिचर्या, तो दिनचर्या में भी परोपकार भगवत भक्ति सेवा सात्विक कार्य, ऐसे ही रात्रि में भी जब तक जगते हैं तब तक सात्विक कार्य भक्ति और सेवा का करें, जप का ध्यान का कीर्तन का परोपकार का, और उसके बाद शयन करे शांति पूर्वक, फिर सुबह जगते ही फिर सत्कर्म में लग जाए, ये दिनचर्या रात्रिचर्या का संक्षिप्त स्वरूप है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु जी। इनका चौथा प्रश्न है, अहिंसा किसे कहते हैं और अनजाने में कोई अपराध बन जाए तो अहिंसा धर्म नष्ट हो जाते हैं, इस परिस्थिति में अहिंसा धर्म का पालन कैसे करें, कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। हाँ, अहिंसा का तात्पर्य होता है किसी को दुख नहीं देना, किसी को भी दुख नहीं देना, यह अहिंसा। हिंसा केवल मारने काटने को ही नहीं कहते हैं, वाचिक हिंसा भी होती है, किसी को गाली दे दिया हिंसा हो गई, अब वो दुखी होगा पीड़ित होगा, तो किसी को कटु शब्द नहीं बोलो तो वाचिक अहिंसा है, किसी को वाणी से और किसी को शरीर से और इसी तरह से किसी को मन से भी न सताओ, वाणी से भी नहीं सताओ, शरीर से भी नहीं सताओ, अपनी ओर से बिल्कुल सावधानी ऐसी रखे, तो ये तीन प्रकार की अहिंसा वृत्ति हुई जिसका पालन करना चाहिए। राधे राधे। इनका पांचवा प्रश्न गुरु जी, असत्य क्या है। श्री राधे राधे। राधे राधे। अपनी जानकारी के अनुसार
जितनी जानकारी अपनी है उसके अनुसार बिना कुछ बदलाव किए बोलना सत्य है, और जितनी जानकारी अपनी है उसमें बदल करके धोखा देने की बात करना असत्य भाषण है। आपके जानकारी में यदि गड़बड़ी है तो फिर आपको असत्य भाषण का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि अपनी ओर से जो जितना जानते थे उतना सत्य ही बोला आपने। अब वो वास्तव में वो चीज वैसी नहीं है जैसा हम जानते हैं तो कोई दोष आपको नहीं लगेगा, लेकिन अब जानते हैं सही और बताते हैं गलत तो दोष लगता है। तो सत्य भाषण का तात्पर्य हुआ यथार्थ भाषण, जैसा जो है वैसा बोलना। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा ये जो उससे किसी को कष्ट होता है, किसी की हानि होती है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यमत प्रियम, सत्य बोलो अप्रिय सत्य मत बोलो, और किसी का अहित करने वाला सत्य मत बोलो। वहां पर न बोलना ही अर्थात किसी का नुकसान हो रहा है, किसी की हानि हो रही है, तो सत्यवादी नहीं बनना चाहिए। भगवान का नाम बोल करके चुपचाप अपने काम में लग जाओ, सत्यवादी होने पर वहां किसी की हानि होती है। बहुत बड़ा किसी का परोपकार होता हो, बहुत बड़ा असाधारण, तो वहां एकाध हल्का फुल्का असत्य जिससे किसी की हानि न हो बोला जा सकता है, लेकिन सत्य ऐसा बोलने से जिसमें हानि बहुत होती हो किसी की बेइज्जती बहुत होती हो तो फिर मौन हो जाना चाहिए। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु जी। इनका छठवां प्रश्न है, मन को भगवान में और सत्य में लगाने का क्या प्रक्रिया है, कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। अरे भाई, सत्य स्वयं भगवान ही हैं, इसलिए उनका नाम सत्य नारायण। जब आप सत्य बोलने लग जाओगे तो भगवान में आप लग गए अपने आप, अब भगवान आपको संभालेंगे। लेकिन ये बोलने तक की बात रही, अब और टाइम में आप भगवान से जुड़े रहो, ध्यान से, जप से, कीर्तन से, चरित्र से, भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करो, दूसरे को भी सुनाओ, खुद भी सुनो, इस तरह से भगवान में जुड़े रहो और असत्य भाषण से दूर रहो, तो दोनों कार्य हो गया, सत्य से भी जुड़ गए और भगवान से भी जुड़ गए। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न गुरु जी कि सत्व गुण में बहुत जल्दी स्थिति होने के लिए क्या करना चाहिए। श्री राधे राधे। सत्वगुणी व्यक्तियों का संग करना चाहिए, सत्वगुणी व्यक्तियों का संग करोगे तो सत्वगुण से जुड़ जाओगे। खान पान पठन पाठन और जो वस्तुएं हमारी साथ की हैं उन सब को भी सात्विक होना चाहिए और सत्वगुणी व्यक्तियों का संग करना चाहिए। श्री राधे राधे। लखनऊ से गुरुजी पल्लवी हैं, उनका दो प्रश्न है। पहला प्रश्न गुरु जी की राजा मोरध्वज के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। भगवान अपने भक्तों के गर्व के दोष का निवारण करते हैं। बेग सुमय डारी हूं खारी, पन हमार सेवक हितकारी। नारद जी के अंदर दोष आया अहंकार का, तो उसको खत्म कर दिया। ऐसे ही एक बार अर्जुन के मन में थोड़ा सा दोष आ गया था। यद्यपि अर्जुन बहुत प्रिय हैं, भगवान ने कहा है भक्तो सिमे सखा चेति रहस्यम हेतुदुत्तमम, चौथे अध्याय में कहा तुम मेरे भक्त भी हो मेरे सखा भी हो। लेकिन इतना होने के बाद भी अर्जुन के मन में एक बार आ गया कि मेरे बराबर का कोई भक्त नहीं है। एक बार ऐसा आया तो ठाकुर जी ने उनको पवित्र करने के लिए, अहंकार दूर करने के लिए होना क्या चाहिए, भक्ति तो खूब करना चाहिए लेकिन ये सोचना चाहिए मुझसे बड़े भक्त तो बहुत हैं, मैं सबसे छोटा भक्त हूं, तब आप अहंकार से बच जाओगे। तो अर्जुन के मन में जो ये दोष आ गया कि मेरे जैसा भक्त कोई नहीं है, तो फिर ठाकुर जी ने कहा कि चलो अर्जुन एक जगह घूमने चलते हैं। अब लेकर के प्रभु गए अर्जुन को।
तो बोले कि ऐसे नहीं चलेंगे, साधु वेश में चलेंगे। तो दोनों लोगों ने साधु वेश बनाया, भगवान ने भी और अर्जुन ने भी। और एक राजा उन दिनों थे, बहुत भक्त थे, उनका नाम था मोरध्वज। तो वहां जब जाने लगे राजा के यहां, तो जंगल से एक शेर पकड़ लिया। भगवान के लिए तो कुछ असंभव नहीं ना, शेर को इशारा किया, भागता चला गया। अब उस शेर के अंदर ठाकुर जी अपनी शक्ति से कार्य कर रहे हैं, उसको लेके गए। भगवान को तो जो करना है सो कर देंगे, जिस जीव के साथ जो चाहेंगे सो कर देंगे। तो शेर को अपना शिष्य बना लिया। और जब राजा के यहां गए तो अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों साधु वेश में, बोले कि ये हमारा सेवक है और हम तीनों लोगों को भोजन कराओ। तो मोरध्वज ने कहा, महाराज ये शेर क्या भोजन करेगा? बोले ये तुम्हारे बेटे को खाएगा। अब बताओ कोई स्वीकार करेगा इस अतिथि धर्म को? आज तो कोई भी नहीं मान सकता है, बहुत आफत आ जाएगी और उपद्रव हो जाएगा। राधे राधे। तो भक्तों, सुंदर सुंदर भोजन बनाया गया, लेकिन जब भगवान ने कहा कि एकमात्र पुत्र था मोरध्वज के, बोले ऐसे नहीं खाएगा, तुम दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को आरा से काटोगे, आरा चला के काटोगे, दो टुकड़ा, दो फांक बनाओगे, सिर से काटते हुए नीचे तक, तब खाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि आंसू गिर गई तो नहीं खाएगा, और यदि हमारा ये सेवक नहीं खाया तो हम लोग भी नहीं खाएंगे, तो हम लोग भी कोई प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे। कितना कठिन परीक्षा थी महाराज, बहुत कठिन परीक्षा थी। और रानी भी धन्य थी, मोरध्वज की पत्नी, कि उसको भी ऐसी भक्ति भगवान ने प्रदान की थी मोरध्वज की तरह से, वो भी तैयार हो गई। और बेटे को भी समझा दिया कि हमारे लिए ये अतिथि जो आए हैं संत लोग, ये हमारे लिए भगवान के बराबर है। ये नहीं मतलब पता था कि भगवान ही हैं, लेकिन अतिथि सेवा का जो धर्म है भगवान की सेवा के बराबर होता है, ऐसा मान करके बेटे को कह दिया, आज तुम्हारा जीवन भगवत सेवा में लगने जा रहा है। तो महाराज क्या अद्भुत थे ये लोग, कि आरा से माँ बाप ने काटा है। और उसके बाद शेर के सामने डाल दिया। अब मैं थोड़े में सुना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। तो शेर के सामने डाल दिया, शेर खा गया। और जब भोजन तैयार हुआ और भोजन परसा गया है दोनों संतों के लिए, तो रानी के आंख से आंसू गिरने लगी। और जब आंख से आंसू गिरने लगी तो भगवान कृष्ण बोले, जो साधु वेश में थे, चलो हम भोजन नहीं करेंगे, हमने पहले ही कहा था कि आंख से आंसू नहीं गिरनी चाहिए, तुम लोग दुखी मन से भोजन करा रहे हो, हम नहीं करेंगे ऐसा भोजन। और उठ करके जब चल दिए, तब अर्जुन के समझ में आ गया कि ये तो मेरे अहंकार को दूर करने के लिए प्रभु ये लीला कर रहे हैं। तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु मेरा अहंकार खत्म हो गया, मैं समझ गया मुझसे बहुत बड़े बड़े भक्त हैं ये लोग, लेकिन अब आप जाइए नहीं, एक तो इसका बेटा मर गया, दूसरे अब इसका दिया हुआ आप प्रसाद भी नहीं पाओगे, तो ये ठीक नहीं है, आप रुकिए। अर्जुन ने पूछा, माता आपकी आंख से आंसू क्यों आई? उन्होंने कहा, मुझे पुत्र की याद आ गई। भगवान ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, माफ कर दिया, अब तुम बेटे की आवाज लगाओ, वो भी भोजन करेगा। अब दोनों ने हाथ जोड़ा, राजा ने, मोरध्वज और उनकी पत्नी ने, कि महाराज बेटा कहाँ है, उसको तो शेर खा गया, आपका शेर खा गया उसको। भगवान ने कहा, भले ही नहीं है, लेकिन तुम उसका नाम पुकार करके कहो कि आओ भोजन करो हमारे साथ। और भगवान की इच्छा और अनंत शक्ति, अपरमित सब शक्ति है उनकी, और तुरंत बेटा प्रकट हो गया और आकर के विराजमान हो गया
भगवान ने प्रसाद पाया और उन लोगों ने भी प्रसाद पाया। और फिर बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो आज क्या मांगना चाहते हो। तो राजा मोरध्वज ने कहा प्रभु बस दर्शन दिया, भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया है, कृष्ण और अर्जुन के रूप में दर्शन दिया। और फिर भगवान से मोरध्वज ने कहा प्रभु अब जीवन में मैं आपको प्राप्त करके आज सब कुछ प्राप्त कर लिया हूं, और आप कह रहे हैं मांगने को, तो अब क्या मांगू, अब कुछ मांगने का मन नहीं हो रहा है। बोले नहीं कुछ मांग लो। बोले मुझे तो आप मिल गए, अब क्या मांगू, लेकिन आप कहते हैं तो बस यही मांगता हूं कि ऐसी कठिन परीक्षा किसी भक्त की मत करना कभी, नहीं तो भक्त फेल हो जाएगा महाराज, अब तो आपकी कृपा से मैं पास हो गया। तो अर्जुन ने कहा प्रभु आज आपने मेरी रक्षा की, मेरे अहंकार को दूर करके, ये संक्षेप में मैंने कथा सुना दी आपको। श्री राधे राधे। पल्लवी जी का दूसरा प्रश्न, गुरु जी इनका ठाकुर जी के प्रति माधुर्य भाव है, तो यह पूछ रही है कि इस बार जो आने वाली जन्माष्टमी है, इस जन्माष्टमी पे उनका पूजन विधि कैसा होना चाहिए, कैसे जन्माष्टमी मनाए, क्योंकि इनका माधुर्य भाव है, श्री राधे राधे बताने की कृपा करें। राधे राधे। अब ये संकोच इन लोगों को हो रहा है, माधुर्य भाव वालों को, क्योंकि हमारे प्रियतम है तो बच्चे की तरह से उत्सव मनाने में तो ठीक नहीं लगता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि चलो संसार में कोई तो आपका पति होगा, तो क्या उसका जन्मोत्सव आप लोग नहीं मनाते हो? जो पति है उसका भी तो कभी जन्म हुआ, जैसे आपका जन्म हुआ ऐसे उनका भी हुआ। तो भगवान भले ही सदा किशोर, नित्य किशोर हैं, उनको नित्य किशोर और नित्य प्रियतम मान करके आप उनकी पूजा करती हैं, आराधना करती हैं, सेवा करती हैं, लेकिन उन्होंने जन्म लेने की लीला तो की है, जन्म लेने की लीला की है, इसलिए उनकी लीला को हम बड़े आनंद के साथ मनाते हैं कि हमारे प्रियतम का जन्म अर्थात आविर्भाव प्राकट्य हुआ, जन्माष्टमी के दिन प्रभु का प्राकट्य हुआ, इसलिए उनकी उस लीला को मनाने के लिए जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री राधे राधे। प्रशांत हैं गुरुजी झारखंड से, इन्होंने कृष्ण नाम की दीक्षा ली है पर कल्कि भगवान में इनका ज्यादा मन लगता है, तो यह कल्कि कल्कि नाम जपना चाहते हैं, तो क्या यह सही, गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री राधे राधे। कल्कि नाम दो चार बार दस बार आप जप लो, उसके बाद फिर कृष्ण नाम या राम नाम जप किया करो। कल्कि भगवान का चित्र आप पूजा घर में लगा सकते हैं, और उनका जो चरित्र है उप पुराण कल्कि पुराण में और पद्म पुराण में स्कंद पुराण में कल्कि भगवान का चरित्र है, विस्तृत चरित्र है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। कल्कि प्रादुर्भविष्यति, कल्कि भगवान का अवतार कलयुग के अंत में होगा। कहाँ होगा? संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु यशः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। कल्कि भगवान का अवतार होगा संभल ग्राम में। अब वो संभल ग्राम जिसे कहा जा रहा है, ये पहले राम गंगा और गंगा के बीच में स्थित एक ग्राम ही था, लेकिन बाद में वो हो गया तहसील मुरादाबाद जिले की, और वर्तमान में वो तहसील भी नहीं है, वो जिला है। जो संभल ग्राम था संभल नाम का जिला है, मुरादाबाद की तहसील पहले था, अब मुरादाबाद के बगल में जिला है। वहीं पर विष्णु यश नाम के ब्राह्मण आएंगे, ये कलयुग के चतुर्थ चरण में आएंगे, अभी प्रथम चरण चल रहा है। तो 1,08,000 वर्ष का एक चरण होता है कलयुग का। इस तरह से तीन चरण जब व्यतीत हो जाएंगे तो चतुर्थ चरण में संभल के अग्नि कोण पर
वहां पर एक विष्णु यश नाम के ब्राह्मण बाहर से आकर रहने लग जाएंगे। उन्हीं के यहाँ भगवान कल्कि पुत्र रूप में प्रकट होंगे। तो उनके चरित्र को आप सुनिए, पढ़िए, नाम थोड़ी देर उनका पुकार करके फिर भगवान राम कृष्ण का नाम यश नाम गाओ, जप करो, कीर्तन करो, ध्यान करो। ध्यान तो कल्कि भगवान का भी आप कर सकते हैं। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। गुरु जी प्रश्न लेते हैं। गुरु जी आज का नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। श्री महाराज जी, मैं गुड़गांव से हूँ। मेरी दीक्षा मेरे गुरुदेव वृंदावन निम्बार्क संप्रदाय से हुई है। उसमें मुझे भक्ति मार्ग के बारे में कुछ पता नहीं था। 2013-14 में केवल राजेंद्र जी की भक्ति मार्ग सुनता था, जिससे कि मेरे अंदर भक्ति जागृत हुई और मोतिया दीक्षांत करी लेखा वाला प्रेम संतों से हो गया। और मैं बराबर वृंदावन आने जाने लगा और सप्ताह में 2 बार आता था, अपने गुरु जी के पास बैठता था। पर एक दिन कुछ ऐसा मैंने देख लिया जिसके कारण मुझे गुरु में दोष दृष्टि हो गई और अब वृंदावन जाने की इच्छा नहीं होती है। गुरुदेव फोन करते हैं, गुरुदेव का प्यार अभी भी वैसा ही है मेरे प्रति, बराबर फोन करते हैं, बुलाते हैं, पर मेरे अंदर वैसी श्रद्धा नहीं रही है। तो गुरु जी दोबारा से मेरा गुरु जी के प्रति वही निष्ठा, वही भक्ति बन जाए, इसके लिए कुछ बताने की कृपा करें। मेरे कुछ प्रश्न है कि मैं ऐसा क्या करूं जो श्री महाराज जी में मेरी दृढ़ निष्ठा और विश्वास पहले जैसा अनंत गुना प्रेम हो जाए, बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। पहली बात यह है कि अपने को गुरु जी से ज्यादा ज्ञानी समझना छोड़ दो। गुरु जी से ज्यादा ज्ञानी अपने को मानना छोड़ दो। पहला काम यह करना होगा। और गुरु जी को संपूर्ण ज्ञानी समझना शुरू कर दो, दूसरा काम। फिर गुरु महाराज जो हैं उनके अंदर दोष देखना बंद कर दो। क्यों बंद करो? क्योंकि समझ जाओ कि हमारी बुद्धि बहुत कमजोर है, हम नहीं समझ सकते उनकी महिमा को, इसलिए दोष दर्शन करने का अधिकार हमारा नहीं है। कभी ज्यादा ही दिमाग खराब हो तो चरणों में उनके पढ़ करके रज लगा लो और कह दो, गुरुदेव आपकी महिमा तो अनंत है, हम इस लीला को समझ नहीं पाए। ये जो वो चाहेंगे तो बता देंगे, नहीं बताते हैं तो समझ लो मेरा अधिकार नहीं है, मेरी पात्रता नहीं, इसलिए नहीं बता रहे। उनके अंदर दोष की कल्पना करके अपने को पापी मत बनाओ। अपने को यही समझो कि हमारी बुद्धि बहुत सीमित है और गुरुदेव की ज्ञान प्रज्ञा ये असीमित है, इसलिए मैं उनके दोषों को सोचने और ढूंढने का अधिकार बिल्कुल नहीं रखता हूँ। मेरी गलती हुई है, मैंने कभी ऐसा किया है, तो क्षमा मांगो गुरु जी से और उनके पास आकर बैठो, उनकी महिमा समझ करके आरती करो, दंडवत करो, चरण रज लगाओ माथे में, तो गुरुदेव आपको क्षमा भी कर देंगे। आप भगवान से भी माफी मांगो, आपके अंदर फिर से गुरु भक्ति प्रकट हो जाएगी। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, जिस पुजारी जी के कारण गुरु जी के प्रति मन में दोष आ गया था, तो उनके बारे में कह रहे हैं कि पुजारी जी एक भौतिकवादी प्रवृत्ति रखता है, ना उसमें राग हो ना द्वेष हो, कैसे बचूं, कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। पुजारी जी की बात ठाकुर जी जाने, क्योंकि पुजारी जी आपके पुजारी तो है नहीं, भगवान के पुजारी हैं, मालिक भगवान है उनके, डायरेक्ट कनेक्शन है उनका, उनका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। अब जो कुछ कहना बताना, दंड देना, पुरस्कार देना, ये जो कुछ करना होगा भगवान का काम है, आपका न अधिकार है न आपका कार्य है। यदि मंदिर का कोई संरक्षक होगा, व्यवस्थापक होगा, तो ये कार्य वो करेगा। आपको भगवान का दर्शन करना चाहिए बस। आप मंदिर में आए हैं, भगवान का दर्शन करिए, कुछ बन जाए तो सेवा करिए, नहीं बनता है तो केवल प्रणाम कर लीजिए, सेवा बनती है तो सेवा करिए, अर्थ से या वस्तु से या जैसी आवश्यकता है, जो सामर्थ्य है आपकी, जो श्रद्धा है। किंतु पुजारी में क्या कमी है, मंदिर में क्या कमी है, भगवान में क्या कमी है, ये सब मत ढूंढो। ये समझ लो कि तुम उनसे बहुत छोटे हो। भगवान ने पुजारी उनको बनाया है तो कोई ना कोई तो योग्यता होगी, चाहे पिछले जन्म की हो चाहे इस जन्म की हो, कृपा उनके ऊपर है, इसलिए ठाकुर जी ने सेवा में लिया है। हमको तो लिया नहीं, हमको तो भगवान ने सेवा में लिया नहीं,
भगवान ने इनको लिया, इसका मतलब हमसे अच्छे हैं। हमको धाम में इसी तरह से दोष नहीं देखना चाहिए कि धाम में ऐसा ऐसा गड़बड़। अरे धामवासी में भी दोष नहीं देखना चाहिए, उनका कितना बड़ा संस्कार था कि उनका जन्म हुआ धाम में या बाहर से आकर धाम में रह रहे हैं, हमारी तो इतनी उम्र बीत गई तब भी हम नहीं रह पाए। ऐसे सोचकर अपना मन ठीक रखो, अपने मन को दूषित मत करो। अरे सारी दुनिया को क्या शुद्ध करने का तुम्हारा ही जिम्मेदारी का काम है क्या? अपने को ही शुद्ध रख लो, यही बड़ी बात है। तो सबको शुद्ध करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, ऐसा मानकर केवल अपने को शुद्ध करो तो मन शांत हो जाएगा, दोष दर्शन की वृत्ति खत्म हो जाएगी। श्री राधे। इनका तीसरा प्रश्न, आखिरी प्रश्न है गुरु जी, कि अपने भावों की रक्षा मैं कैसे करूं, अगर कोई वैष्णव निंदा करे तो? कृपया बताने की कृपा करें महाराज जी, आपका दास आपका चिर ऋणी रहेगा। आप श्री के चरणों में कोटिश दंडवत प्रणाम। श्री राधे राधे। श्रवण दिन चल हो पराई, काटिए तासु जीभ जो वसाई। ये जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो बड़ी सावधानी के साथ उसकी बात का खंडन कर सकते हो, लेकिन वो भी जब पूछे तब बिन मांगी सलाह मत देना, नहीं तो कदर नहीं किया जाएगा तुम्हारी सलाह का। ये जो पूछता है तो बड़ी निर्मल बुद्धि के साथ, बड़ी शालीनता सज्जनता के साथ कुछ उसको सुझाव दे सकते हो, और नहीं तो तुम्हें दोष दिखलाई पड़ा, बुराई दिखलाई पड़ी तो श्रवण मोदी न तो चलो पर आई, कान को बंद करो दोनों उंगली से और चल पड़ो। ठाकुर जी की माया ठाकुर जी जाने, भगवान की माया भगवान जाने, हम भैया नहीं जानते है सब बात, और न अपने पास इतना टाइम है न अपने पास इतना ज्ञान है। बस प्रभु को प्रणाम करके, प्रभु की माया को प्रणाम करके चल दिया करो तो अपना अंतःकरण शुद्ध बना रहेगा। एक सूचना, ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम एकादशी एकादशी को बंद रहता है महीने में दो दिन, लेकिन अभी एक उत्सव आ रहा है जन्मोत्सव का, उसमें कल कीर्तन होगा, परसों जन्मोत्सव का सत्संग होगा 9 बजे से 12 बजे तक, इसलिए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम दो दिन बंद रहेगा, कल और परसों। लेकिन कल कीर्तन होगा, परसों सत्संग होगा कम से कम 2-2.5 घंटे, तो प्रश्नोत्तरी वाला कार्यक्रम आज तो हो गया, कल परसों दो दिन नहीं होगा। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।